अगर आपके पास भी जनधन खाता है तो ऐसे जनधन खाता धारकों को 10,000 रुपये फ्री में मिल रहे हैं। कैसे आप आवेदन कर पाएंगे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इस जनधन खाता जिनके पास भी है वो लोग आवेदक जो होंगे उनकी क्या योग्यता है इस 10,000 रुपये को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो में आपको स्पेशली बताएंगे। करें आवेदक की उम्र महिला पुरुष कोई भी हो 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और पिछले 6 महीने में उन्होंने क्या क्या ट्रांजेक्शन्स करे हैं उसका पूरा रिकॉर्ड रहना चाहिए। तीसरी बात ये आती है उनका खाता आधार से लिंक होना चाहिए, पैन कार्ड वगैरह सब कुछ लगा होना चाहिए, हर एक प्रॉपर मोड में उनका अकाउंट चलना चाहिए, डोरमेंट नहीं होना चाहिए और ना ही किसी तरह से आपका अकाउंट फ्रीज होना चाहिए। हर एक अच्छे मोड में जैसे अकाउंट चलता है एक्टिव मोड में आपका अकाउंट होना चाहिए। और साथ ही साथ 10,000 रुपये आपको कैसे मिलेंगे उसका भी आपको प्रूफ दिखाते हैं। ये जो 10,000 रुपये आपको मिलते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना में आपको ओडी यानी कि ओवरड्राफ्ट आपको अलाउ किया जाता है, जिसमें आपके जो भी अकाउंट होल्डर हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखा जाता है जो कि मैंने आपको अभी बताया है। ओडी की जो लिमिट्स होती है वह आपके जो पिछले 6 महीने में जो आपने ट्रांजेक्शन किए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही बात करें तो इसमें मिनिमम 2,000 रुपये आपको जो होगा गवर्नमेंट द्वारा यानी कि जनधन खाते में आपको दिया जाएगा। ये एक एज ए लोन है जो कि 30 दिन के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरह का कोई चार्ज किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप वापस कर देते हैं पैसे तो अगले महीने जो है फिर आप इस तरह से लोन ले सकते हैं। बात करें मैक्सिमम की तो मैक्सिमम 10,000 रुपये आपको इसमें दिए जाते हैं ओवरड्राफ्ट के माध्यम से। बात करें 2,000 रुपये के लिए किसी भी तरह की कोई डॉक्यूमेंटेशन किसी तरह का कोई बाउंडेशन की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि 2,000 से ऊपर के लिए थोड़ा बाउंडेशन ये होता है कि पिछले 6 महीने का आपका रिकॉर्ड देखा जाता है और जो भी आपने ट्रांजेक्शन करे हैं मान लीजिए आपने 50,000 तक ट्रांजेक्शन कर दिए हैं तो उसका 50% तो हो गया 25,000, तो 25,000 और 10,000 यानी कि दोनों में जो कम होगा वही आपको पैसा दिया जाएगा। तो इस हिसाब से ये मत समझिएगा कि 50,000 ट्रांजेक्शन आपने किया है तो आधा हो गया 25,000, तो 25,000 में मिल जाएगा। इसकी मैक्सिमम लिमिट ही 10,000 है, तो कहा जा रहा है दोनों में जो कम होगा वही मिलेगा। तो इस तरह से ये ओडी जो होगा आपको ओवरड्राफ्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। आप इसे प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे बाकी सारे कंडीशन आप समझ गए। आपको बैंक जाना है, आपको एक फॉर्म भर देना है ओडी का जिसमें आपको बताना है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हमें पैसे लेने हैं और पैसे लेने के लिए आप ओडी जैसे ही फॉर्म भरेंगे और जैसे ही आपका अप्रूवल होगा आपके खाते में तुरंत ही आपके पिछले 6 महीने ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग आपको पैसे मिल जाएंगे। और 30 दिन के अंदर अगर आप पैसे नहीं दे पाए तो 1% पर मंथ के हिसाब से आपको इस पर ब्याज देना होगा यानी कि 12% ईयरली एनुअली आपको इस पर ब्याज देना पड़ जाएगा। तो फिलहाल अभी तक कितने लोगों ने इस पैसे का इस सुविधा का लाभ लिया आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी बात कहिएगा, या आपको कोई बात इसमें जो है ना समझ में आई हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल मीडिया की लिंक है वहाँ से भी हमसे कह सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।